हेलो फ्रेंड्स, रेसिपीज मेड इजी बाय साधना और साधना झुमस रेसिपीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे मटर पनीर की सब्जी, ये बहुत ही टेस्टी होती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं मटर पनीर की सब्जी बनाना। आप इसे रोटी, चपाती या चावल के साथ खा सकते हैं, जीरा राइस के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ भी ये बहुत अच्छी टेस्ट देती है। पनीर मटर की सब्जी बनाने के लिए आवश्यक सामग्री, यहाँ पे मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है इस तरह से क्यूब में कटा हुआ, दो टमाटर की प्यूरी, दो बारीक कटे हुए टमाटर, साथ में 10 मिनट तक गुनगुने पानी में दो कश्मीरी लाल मिर्च भिगो के रखी थी, दोनों को साथ में ग्राइंड करके प्यूरी बना ली है, एक बाउल हरी मटर फ्रेश मटर ली है, दो बड़े प्याज बारीक कटे हुए, एक चम्मच धनिया पाउडर, हींग, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच कसूरी मेथी, सात आठ लहसुन की कलियां, आधा इंच अदरक, दो हरी मिर्च क्रश करके लिए, स्वाद के अनुसार नमक, एक चम्मच जीरा पाउडर, दो बड़े चम्मच लाल मिर्च पाउडर, खड़े मसालों में से एक तेज पत्ता, दो इलायची इस तरह से तोड़ के लिए, एक दालचीनी, चार काली मिर्च और तीन लौंग। कढ़ाई में दो बड़े चम्मच तेल गरम कर लिया है, उसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। हमने जीरा पाउडर लिए, नहीं तो जीरा भी डाल सकते हैं यहाँ पे। प्याज का कलर चेंज होने तक हम उसे भून लेंगे। यहाँ पे मैंने बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, आप चाहे तो प्याज की पेस्ट ले सकते हैं। आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास वाले बेल के आइकॉन को दबाइएगा, इससे मेरी नई आने वाली रेसिपीज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। प्याज का कलर चेंज हो चुका है, अब उसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे। आप चाहे तो तेल में पहले ही खड़े मसाले डाल सकते हैं, बाद में तारीख कटा हुआ प्याज डाल सकते हैं। प्याज का कलर हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब उसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को क्रश किया है वो डालेंगे और दो मिनट तक भून लेंगे लहसुन की कच्ची स्मेल आने के लिए। अब उसमें हींग ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। टमाटर प्यूरी को ऐड करेंगे, टमाटर प्यूरी को तेल छूटने तक भून लेंगे। टमाटर प्यूरी को तेल छूटने लगा है, आप यहाँ पे रोस्टेड बेसन भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी टेस्ट आती है। सभी मसालों को तेल छूटने तक भून लिया है, अब उसमें हरी मटर डालेंगे, पांच मिनट धीमी आंच पर ढककर पकाएंगे। पांच मिनट हो चुके, अब उसमें हम क्यूब में कटा हुआ पनीर ऐड करेंगे। बहुत ही अच्छा कलर आया है। आप यहाँ पे पनीर को चालू फ्राई करके भी ले सकते हैं या डीप फ्राई करके।
स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। गर्म पानी ऐड करेंगे, पानी हम थोड़ा कम ही डालेंगे, पनीर की सब्जी ठीक होती है इसलिए। और थोड़ा पानी ऐड करेंगे। पांच मिनट धीमी आंच पे पनीर को ढककर पकाएंगे। पांच मिनट हो चुके हैं, अब उसमें हम गरम मसाला ऐड करेंगे। मिक्स कर लेते हैं। और 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। हमारी पनीर मटर की सब्जी लगभग पक चुकी है। पनीर मटर की सब्जी की टेस्ट बढ़ाने के लिए हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे क्रश करके लिए। दो मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे। हमारी गर्मा गर्म पनीर मटर की सब्जी परोसने के लिए तैयार है। आप यहाँ पे फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं सब्जी की कंसिस्टेंसी, उसका टेक्सचर। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। कश्मीरी लाल मिर्च की वजह से बहुत अच्छा कलर आया है।